कुछ पन्ने जिंदगी के। खूबसूरत बर्फीली वादियों में शिफॉन की साड़ी में लिपटी हुई हमारी हीरोइन जब हीरो की बाहों में खो जाए तो उस सीन में जान डालता है एक रोमांटिक गाना, उसके लफ्ज, उसकी धुन और वो मीठी आवाज। फिल्मी गानों ने हमारी जिंदगी के हर इमोशन को बेहद नजदीकी से बांध के रखा है, चाहे वो रोमांस हो, दुख हो, शादी हो या फिर जनाजा भी हो। हर सिचुएशन पर हमें कोई ना कोई गाना खुद की जिंदगी की सिचुएशन से कनेक्ट करता है और उन गानों को सदा बहार और दिल को छूने वाली बनाते हैं हमारे सिंगर्स। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि इस पूरे महीने मैं आपको उन ग्रेट आर्टिस्ट की जिंदगी के पन्नों से मुखातिब करूंगी, तो वादा तो निभाना लाजमी है क्योंकि मेरे साथ मेरी आज की मेहमान इंडिया की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक मानी जाती है, जिन्होंने कई अवार्ड्स जीते, रिकॉर्ड्स बनाए और हिट पे हिट गाने दिए हैं। None other than a dear friend and someone my husband and I truly respect. अलका जी, मैं आपको अलका याग्निक बोलो कि याजनिक बोलो? जो चाहे बोलिए। एक्चुअली नाम मेरा याजनिक था, हाँ, तो यहाँ आके वो याग्निक बन गया। उसकी भी एक लंबी कहानी है वो कैसे हुआ, बट आई फाइनली गिव एंड आई सेड ठीक है जो मुझे लोग बुलाना चाहते हैं बुला लें। एक्चुअली इट इज़ याजनिक। याग्निक कैसे बन गया? एक्चुअली स्कूल में कॉल्ड माई डैड यूज़ टू राइट याजनिक, सो वी ऑल रोट याजनिक YAJ। पर जब मैं बॉम्बे आई और जब मेरा नाम प्रेस में आने लगा तो याग्निक इज़ अ हर्ड नेम, याग्निक सरनेम नेम जो काफ़ी सुनने में आता है बट याजनिक नहीं आता है। पीपल अज्यूम कि मस्ट बी याग्निक। अच्छा, जे को कभी कभी जे की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो उस चक्कर में प्रेस वाले हमेशा याग्निक याग्निक लिखने लगे। मैंने बहुत प्रोटेस्ट किया, मैंने बोला इट्स नॉट जी इट्स जे, बट वो जी लिखते 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 धीरे धीरे सब वो याग्निक ही हर जगह हो गया। मुझे किसी ने बोला कि मे बी इट्स लकी फॉर यू। फाइनली आई सेड ठीक है, लेट इट कैरी ऑन। हम इतने बार मिले हैं, इतनी जगहों पे मिलते हैं, आज मैं एक्चुअली आपसे बात करते वक्त मुझे लग रहा है आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दी अलका याग्निक जी। बातचीत शुरू करते हैं, और कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ आपके पिलर के तरह सालों से आपके साथ खड़ी हुई हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक पिलर्स की बात करूँगी मैं अपनी लाइफ के, सबसे पहले मैं अपनी फैमिली का नाम लेना चाहूँगी, माय मॉम हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम टुडे, क्योंकि आई वाज द काइंड हु हैड लीस्ट अमाउंट ऑफ एम्बिशन फॉर माय सेल्फ, सो शी वाज द वन हु रियली मोटिवेटेड मी। मेरे भाई हैं सभी, सिस्टर इन लॉ पूजा, माय डॉटर, माय हस्बैंड, ये सब मेरे सबसे बड़े पिलर्स हैं। और उसके बाद आई हैव सम फ्रेंड्स हु हैव स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, जिनका नाम अगर आप कहें तो मैं ले या सकती जरूर हूं। हमारा शो ऐसा है जहां हम आपकी फिल्मी करियर को बहुत कम छूते हैं, हम आपकी जो करीबी जिंदगी है उसी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। आई प्रिफर दिस क्योंकि yeah. क्या है कि सालों से मैं वही सवालों का जवाब देती आ रही हूँ, आई एम सो फेड अप ऑफ द सेम क्वेश्चंस। सो सबसे क्लोजेस्ट मैं कहूंगी सीमा है, सीमा रेजा, शी इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। कुछ कलीग्स हैं धीरे धीरे काफ़ी करीब आ गए, इनफैक्ट देयर वर सम कलीग्स हु वर नॉट सो क्लोज टू मी व्हेन आई वाज वर्किंग अलॉट विद देम, बट उसके बाद काफ़ी करीब आ गए एंड दे हैव बीन इन माय लाइफ एज फ्रेंड्स। उसमें मैं ललित का नाम बोलूँगी और शानू जी का नाम बोलूँगी, अभिजीत जी का नाम बोलूँगी, जावेद साहब, वी आर इन टच रेगुलरली, पूनम है, अनु है, रीटा है, एक गैंग है जो बहुत where I can let my hair down and I can just be myself. Kuch panne zindagi ke